Surajkund, yani Lake of the Sun. It's an ancient reservoir of 10th century. It has been built by Raja Surajpal of Tomar dynasty. Kaha jata hai ke Raja Suraj jo the, wo Suraj ke bhagat the. इसीलिए उन्होंने इसके वेस्टर्न बैंक पे एक सूरज का टेंपल भी बनवाया है. तो दोस्तों, सूरज कुंड इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल लेक लोकेटेड इन फरीदाबाद, जस्ट 8 किलोमीटर्स फ्रॉम न्यू साउथ दिल्ली. अब 1987 से वहाँ पर एक मेला लगाया जाता है हर साल, जिसे कहा जाता है इट्स एन इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला. तो आज स्टूडियो में हम सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2019 के बारे में चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं. मैं हूं आपकी होस्ट एकता सोढ़ी. दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूरजकुंड मेला के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ 0129-298-666. और आज हमारे साथ स्टूडियो में इसके बारे में जानकारी देने के लिए मौजूद हैं मिस्टर दिलावर सिंह, जनरल मैनेजर हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन, एंड डॉक्टर राजकुमार मलिक, सीनियर जर्नलिस्ट. आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है. सर, इसे एक थीम बेस्ड मेला कहा जाता है, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला को. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड थीम बेस्ड मेला? सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का धन्यवाद करूँगा, आपका भी, कि आपने ये दूरदर्शन ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया दूरदर्शन के दर्शकों के लिए, कि मेले सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दर्शकों को मिल सके. जी सर. आपने ये सवाल किया कि थीम बेस्ड ये सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ये क्या कंसेप्ट है? जी. देखिए, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, ये सूरजकुंड एक ऐतिहासिक जगह है. जी. वहाँ पर हर साल फरवरी के महीने में लगाया जाता है. ये थीम बेस्ड जो मेला है, इसका मतलब है कि हम किसी स्टेट को एक थीम स्टेट डिक्लेयर करके और उसकी पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं. जी. जिससे कि एक स्टेट की आर्ट, क्राफ्ट और कल्चर को हम वहाँ फोकस कर पाए. और इससे क्या होता है कि हर बार जब थीम स्टेट हम अलग अलग चुनते हैं, उससे अलग अलग स्टेट के आर्ट, क्राफ्ट और कल्चर को प्रस्तुत करने का दर्शकों के सामने, विजिटर्स के सामने, ये एक मौका मिलता है. जी. तो थीम बेस्ड का मतलब है दर्शकों के हर साल एक स्टेट डिक्लेयर कर दी जाती है जो अपना ट्रेडिशनल क्राफ्ट, अपना फूड, अपना जो भी उनका सब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, उसे वो शोकेस कर सकते हैं. डॉक्टर मलिक, हर साल लाखों की गिनती में विजिटर्स वहाँ आते हैं, इट्स बीन फेमस, लेकिन इंडिया में बींग अ जर्नलिस्ट आप रोशनी डालना चाहेंगे कि कितने लोग अवेयर हैं? वैसे इस मेले की खूबियाँ बहुत है. जी. पूरे देश में इस जैसा मेला मुझे नहीं लगता कोई दूसरा हो. जी. इस मेले में देश ही नहीं, विदेशों के लोग भी आते हैं और वहाँ की संस्कृति को जानने का मौका मिलता है. जी. मुझे सौभाग्य से जाने का मौका मिला. जी. लाखों की तादाद में लोग आते हैं वहाँ पे. जी जी. और वहाँ की संस्कृति, वहाँ दूसरे देशों की संस्कृति, प्रदेश की संस्कृति या हमारे देश की संस्कृति वहाँ एकदम देखने को मिलती है. और शिल्प के जो वहाँ पे जो शिल्पी आते हैं, जिस शिल्प को हमने कभी देखा नहीं, वो भी देखने को मिलता है. जी. तो यहाँ पे खूबियाँ इस मेले में बहुत हैं, हालांकि समस्याएं कुछ, जहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं तो कुछ समस्या भी आती हैं. जिन दिनों मैं गया था तो उन दिनों टिकट की दिक्कत है, टिकट लेने में लाइनें लगी होती हैं. सबसे पहले पार्किंग की समस्या आती है, जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो पार्किंग कहाँ खड़ा करें. जी. तो हालांकि हरियाणा सरकार भी और हरियाणा टूरिज्म और जैसे केंद्र की तरफ से पूरा ध्यान होता है इन चीज़ों पे. जी. लेकिन पार्किंग की समस्या आती है. और दूसरा, शनिवार और इतवार वार को दिल्ली से लाखों की तादाद में लोकल लाइट्स भी आते हैं. तो जैसे मेट्रो से उतरते हैं तो आगे जाके दिक्कत आती है. जी जी. मिस्टर सिंह, जैसे कि अभी मिस्टर मलिक ने कहा कि आप ये जो एक मेला है, ये बहुत ह्यूज, इसमें लोग आते हैं, शिरकत करते हैं, तो क्या आपने प्रोविजन इस बार 2019 का जो फेयर है उसमें की हैं कि इन चीज़ों को टैकल किया जा सके, जो ये क्योस है, ये पार्किंग की प्रॉब्लम है, टिकट का सिस्टम है? देखिए, मिस्टर मलिक ने जो क्वेश्चन किया कि जो इन्होंने, इनकी ऑब्जर्वेशन रही है जब इन्होंने मेला विजिट किया कि लंबी लंबी कतारें लगते हैं, ये तो एक अच्छा साइन है कि विजिटर खूब मेले में आ रहे हैं. फिर भी कोई समस्या विजिटर्स को ना हो, उसके लिए हमने
एक टिकटिंग एजेंसी पिछले 2-3 साल से हम एंगेज करते आए हैं जी। और इस बार जो सिलेक्ट हुई एजेंसी वो है बुक माई शो जो इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट मैचेस को भी हैंडल करती है, फेमस वन जी। बुक माई शो टिकट सेल करती है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला की, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, और उसकी वो पब्लिसिटी भी करती है जी। उससे क्या होता है कि ऑनलाइन टिकट लेने से वो जो क्यू में खड़े होने का जो समस्या है वो खत्म हो जाती है जी। तो दर्शकों को बता दूं कि आप सूरजकुंड क्राफ्ट मेला को इस साल बुक माई शो पर भी बुक कर सकते हैं, टिकट ले सकते हैं, लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ले चलते हैं स्टूडियो से बाहर, हमने जी कुछ लोगों से बात की है इस बारे में, तो लेट्स सी कि लोगों को क्या जानकारी है सूरजकुंड मेला पे। जी इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये किस राज्य में आयोजन हो रहा है इसका? जी इसके विषय में मुझे जानकारी अभी तो नहीं है फिलहाल, क्या ये मेले के बारे में अभी कोई जानकारी मुझे नहीं है। 33वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला शुरू होने जा रहा है, ये आपको पता है किस राज्य में शुरू हो रहा है? नहीं जी। 33वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला होने जा रहा है, ये आपको पता है किस राज्य में हो रहा है? नहीं पता। 33वां सूरजकुंड मेला इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो होने जा रहा है आपको पता है किस राज्य में हो रहा है? नहीं पता। मिस्टर सिंह आपने देखा बहुत से दर्शक ऐसे हैं, ये चंडीगढ़ और अराउंड के लोग हैं जिनको अभी तक नॉलेज तक नहीं है कि सूरजकुंड मेला जो होता है अगर तो होता कहाँ है, तो पब्लिसिटी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए ये जो आपने बोला कि कुछ लोगों को पता नहीं है कि सूरजकुंड मेला कहाँ है क्या है, ऐसा नहीं है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला अब वो लेवल अटेन कर चुका है कि लोग पूरा साल इंतजार करते हैं जी। और सूरजकुंड मेले का आप जिक्र करते ही एकदम से बोलेंगे हाँ 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 सूरजकुंड में जो होता है जी। सूरजकुंड एक ऐतिहासिक जगह है, इसीलिए इस जगह को चुना गया कि एक पहचान जगह की भी होनी चाहिए, और दूसरे भी कुछ कंसिडरेशन रही थी जब ये जगह चुनी गई हरियाणा में जी। कि जो फैसिलिटीज़ चाहिए क्राफ्ट पर्सन को चाहिए और विजिटर्स को जो चाहिए वो कहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं जी। वो ये एक जगह थी जी जी जी। और पब्लिसिटी की आप बात करते हैं, हम पब्लिसिटी एफएम रेडियो के माध्यम से जी, सोशल मीडिया जी, सभी सोशल मीडिया जी, फेसबुक जी जी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जी, ट्विटर जी, ये सभी के माध्यम से हम पब्लिसिटी करते हैं। सभी के माध्यम से जी हाँ। सर आपने सर मेरा क्वेश्चन आपसे भी यही था, बिंग अ जर्नलिस्ट आप लोगों से मिलते हैं, आप ज़्यादा पब्लिक के करीब से आप जानते हैं, तो यही मैं पूछना चाह रही थी, इंटरनेशनली जितना अक्लेम्ड ये मेला है, जितना फेमस है, क्या इंडिया में भी लोग अवेयर हैं इसके लिए? हाँ, जी मुझे लगता है इस मेले के प्रति लोगों का रुझान तो है जी, और इस तरह का मेला दूसरा मुझे लगता है कोई दूसरे जैसे इंडिया में जैसे हो, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो संस्कृति वहाँ की, जो वहाँ के प्रोडक्ट हैं, और हमारे दूर दराज जैसे देश में जो जहाँ पे आदिवासी इलाके वहाँ तक की जो वहाँ पे शिल्प वहाँ पे देखने को मिलता है, और मैंने इंजॉय किया, फूड के लिए अलग वहाँ पे ये है वहाँ पे जी। मिस सिंह आपसे पूछना चाहूँगी, आपने अभी कहा कि आपने सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर सबको इन्वॉल्व किया है पब्लिसिटी में, तो हम जैसे जानते हैं कि एक बहुत बड़ा माध्यम जो है हिंदुस्तान में दूरदर्शन है, तो जहाँ तक बाकी मीडिया नहीं पहुँचता है दूरदर्शन वहाँ भी चलता है, तो क्या आपने दूरदर्शन को भी शामिल किया है इस पब्लिसिटी? हाँ, अब इसीलिए मैं दूरदर्शन का आभारी हूँ कि अब हम दूरदर्शन की पहुँच में भी आ गए हैं जी सर आज के बाद, और दूरदर्शन ही नहीं, हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी पब्लिसिटी करते हैं जी सर, और हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम यूट्यूब पे भी हम अपलोड करते रहते हैं जी 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 सर तो, जी मेरा क्वेश्चन इसीलिए था सर क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी और जो सिटीज़ की, टाउन्स की पॉपुलेशन है वो तो बहुत कनेक्टेड है सोशल मीडिया के साथ, लेकिन बहुत डीप लोग, क्योंकि ये क्राफ्ट मेला है एंड जहाँ तक मेरा नॉलेज कहता है कि यहाँ उन लोगों को चांस मिलता है हर स्टेट का जिनके पास अप्रोचेबिलिटी ही नहीं है कंज्यूमर तक जाने की, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्लेटफॉर्म साबित होता है ये मेला? देखिए सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, इसका जो मकसद था ऑर्गेनाइज करने का वो यही था कि जो आर्टिजन्स हैं हमारे, जो समृद्ध हमारी कला और संस्कृति है जी, आर्ट है जी, क्राफ्ट है, वो जो इसको इसको जो प्रमोट करने वाले हैं जी, वो इसके जो कदरदान हैं,
इसके जो पार्किंग हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे जी, बिल्कुल। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत थी जी सर। वो कहाँ मिल सकें, कहाँ इंटरेक्ट कर सकें जी, वो उसके लिए ये क्राफ्ट मेला है जी। यहाँ दूर दराज से देश के हिस्सों से आर्टिजन आते हैं जी। हर कोने से आते हैं, मैं तो कहूँगा कि दूर दराज के गाँव से आते हैं जहाँ बायर्स नहीं पहुँच सकते थे जी, बिल्कुल। और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा दे दिया है हमने सूरजकुंड मेला अथॉरिटी ने कि यहाँ सबको मालूम है कि कब सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगता है जी। सभी आपको बता सकते हैं कि फर्स्ट फरवरी से, तो जो डीप डाउन लोग भी हैं वो भी प्लेटफॉर्म उनको भी मिल जाता है, वो भी मिल जाता है। और उसके लिए हम एक और करते हैं जी, सूरजकुंड मेला अथॉरिटी हर साल मेले के दौरान एक बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज करती है जिसमें इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, क्राफ्ट पर्संस और इवन जो मिडल एजेंसीज हैं इनके बीच में जो काम करती हैं वो भी आ सकती हैं और क्राफ्ट पर्सन से, आर्टिजन से इंटरेक्ट कर सकती हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आर्टिजन्स को बल्क में ऑर्डर मिलते हैं, मिल जाते हैं जी। बहुत अच्छी बात है। कुछ और लोगों से भी हमने स्टूडियो के बाहर बात की है अब तक, वो लोग हमने इंटरेक्ट किए हैं जिनको पता ही नहीं है सूरजकुंड मेला क्या है, लेकिन बहुत एक पॉजिटिव साइन है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वाकई में जानते हैं और वेट करते हैं इस मेला की जी। ये सर हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, हरियाणा राज्य है इसका और डिस्ट्रिक्ट इसका फरीदाबाद है। और ये मेला सन 10वीं शताब्दी के अंतर्गत तोमर वंश के एक शासक हुआ करते थे सूरजपाल, ठीक है, सूरजपाल शासक के द्वारा इसको बनवाया गया था, तो उन्हीं के नाम पे इसको सूरजकुंड का नाम दिया गया था। सन 1987 में ये मेला हरियाणा सरकार द्वारा पहली बार आयोजित किया गया था, ठीक है, और सन 2017 में इस राज्य का, इस सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट झारखंड था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार थी 2018 में, तो इस यूपी इसका थीम राज्य हो गया। अब की बार सन 2019 में इसका थीम स्टेट महाराष्ट्र होगा। सूरजकुंड जहाँ तक मैं आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है, आई थिंक इट इज इन हरियाणा, जो मेरा इसलिए मनाया जाता है उस टाइम जो मैं जो था, मैंने तो डिफरेंट कल्चर्स देखी है। सो अभी तक जहाँ तक उस टाइम जॉब में था तो मेरे को जहाँ तक पता है कि वहाँ पे मैंने डिफरेंट स्टेट्स की जो कल्चर हेरिटेज था, दैट वाज आई हैव सीन देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर साइट्स। इतना कुछ खास नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हरियाणा राज्य में होता है और डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में होता है। ये हरियाणा राज्य से संबंधित है, सूरजकुंड हरियाणा में ही है, सूरजकुंड फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है जी सर। लोग अवेयर भी हैं, लेकिन डॉक्टर मलिक शायद और पब्लिसिटी की ज़रूरत है, लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि इट्स अ क्राफ्ट मेला, इसमें आर्टिस्ट लोग आते हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, तो जितने ज़्यादा लोग शिरकत करें उतना ही बेहतर है जी। जी मैं तो चाहता हूँ हरियाणा सरकार या हरियाणा पर्यटन विभाग को इस प्रति लोगों को, जैसे लोगों तक सूचनाएँ पहुँचें जी, ज़्यादा से ज़्यादा हर जैसे जो मल्टी मीडिया उसका प्रयोग करें, और लोगों को इस धरोहर हमारे चंडीगढ़ के पास ही है, यहाँ के लोगों को पता लगे। और जैसे लोग जाते हैं, वैसे हालांकि मुझे लगता है इसमें काफ़ी लोग यहाँ पे जाते हैं और इसकी पहचान है, और अगर इसको, इस मेले को अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जाएगा तो मुझे लगता है सारे इसका फायदा उठाएंगे, बहुत फायदा होगा। मिस्टर सिंह, क्या इतने जो बिकॉज इसको फॉरेन के लोग भी अप्रोच करते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा विजिटर्स फॉरनर्स हैं इंडियंस के कंपैरिजन में, तो क्या प्रोविजंस उनके लिए प्रोवाइडेड होती हैं, क्या उनको उनके आकर्षण के लिए क्या हम उनकी सिक्योरिटी, उनका खाना रहना, क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट? देखिए, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला में फॉरेन पार्टिसिपेंट्स भी आते हैं, अच्छी संख्या में आते हैं जी। मैं अगर पिछले साल सूरजकुंड मेले की बात करूं तो पार्टिसिपेंट्स थे 331 जी, और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है जी, बिल्कुल। जो फॉरेन कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं वो 2009 में सूरजकुंड मेला अथॉरिटी ने एक कंसेप्ट शुरू किया जी, पार्टनर नेशन का, और इजिप्ट पहला देश था पार्टिसिपेट करने वाला एज पार्टनर नेशन। अब पिछले साल 26 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया जी, ये संख्या बढ़ती जा रही है जी। 2009 में जब शुरू किया था तो 6 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और वो 18 में आके
26 कंट्रीज तक पहुंच गया। ये बहुत अच्छी बात है कि इंडियन ट्रेडिशंस को हम, जो इंडियन हेरिटेज को हम शोकेस करने के लिए जिस मेले का हम आयोजन करते हैं उनमें इतनी फॉरेन कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती हैं, दैट्स अ प्राउड थिंग फॉर इंडियन टूरिज्म। एंड सर कुछ जो है आर्टिस्ट लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी किस तरह का प्लेटफॉर्म साबित होता है ये मेला और क्या गवर्नमेंट उनको मोटिवेट करने के लिए करती है जो आर्टिस्ट लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए आर्टिस्ट को, आर्टिजन्स को मोटिवेट करने के लिए एक तो ये है कि सभी सुविधाएँ प्राप्त उनको होती हैं यहाँ पे, उनकी हर जरूरत का अच्छे से ख्याल रखा जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, ठहरने की है, खाने की है, आर्टिजन्स को हाईली सब्सिडाइज्ड फूड हम प्रोवाइड करते हैं। जी सर एक सेकेंड, दर्शकों के लिए हमारी स्क्रीन पर भी पंचेस चल रहे हैं कि किस तरह के आर्टिजन्स वहाँ शोकेस होते हैं, किस तरह का नज़ारा होता है उस मेला पे जब आप विजिट करते हैं, तो दर्शक वो भी साथ साथ देखते रहेंगे और हमारी चर्चा भी साथ में चलती रहेगी। जी हाँ, बात चल रही थी कि आर्टिजन्स को प्रमोट करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। एक तो ये है कि उनको हम वर्कहर्ट्स प्रोवाइड करते हैं मेला एरिया में। मेला एरिया 40.5 एकड़ का ये एरिया है, बड़ा एरिया है, और इसमें 1000 से ज़्यादा वर्कहर्ट्स हमने बनाई हैं। फिर भी ये भी कम पड़ती, ये खुशी की बात है कि ये भी कम पड़ती है, एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन सभी को तो हम मौका नहीं दे सकते। कोई क्राइटेरिया एक फिक्स किया जाता है जिससे कि नए जो आर्टिजन्स हैं, जो उभरते हुए आर्टिजन हैं, उनको भी मौका मिले। दूसरा है उनको एनकरेज करने के लिए, एनकरेज करने के लिए हमने सूरजकुंड मेला अथॉरिटी ने अवार्ड रखे हैं, जो बेस्ट अवार्ड हैं, जो बेस्ट आर्टिकल्स जो वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं उसके लिए एक कमेटी बनती है, कॉन्स्टिट्यूट होती है, वो विजिट करती है, एक एक वर्कहर्ट पे जाती है और सिलेक्ट करती है बेस्ट। तो जो बेस्ट आर्टिजन्स हैं, जो बेस्ट आर्टिस्ट्स हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है टू मोटिवेट देम, टू प्रमोट देम। सर एक सवाल दिमाग में आ रहा है, इस सब को, ये मेला को कोई अथॉरिटी है जो हैंडल करती है, ऑर्गेनाइज करती है, कुछ डेडिकेटेड टीम होती है? जी सर ये तो देखिए एक टीम होती है जो फैमिली की तरह काम करती है, पर टॉप लेवल पे एक बॉडी है वो है सूरजकुंड मेला अथॉरिटी। ओके, उसके जो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, वो सेक्रेटरी टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, और वाइस चेयरमैन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा होते हैं। और भी 20 मेंबर्स हैं इसके गवर्निंग बॉडी के, जिसमें कुछ एक्सपर्ट भी हैं, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में जो दूसरी मिनिस्ट्रीज का इसके इसमें योगदान रहता है, उनके जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको रखा गया है, ताकि अच्छा कंट्रीब्यूशन जी वो मिनिस्ट्री भी दे पाए। एक बॉडी है जो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करती है, तो बिकॉज ये सारा एक डिफरेंट तरह का कॉन्सेप्ट है, तो क्या कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी इसमें कुछ ना कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं? या बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी। इसमें हम कल्चरल ट्रुप्स आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं और हमारे यहाँ इंडिया से भी आते हैं। इंडिया से जो फॉरेन ट्रुप्स की सिलेक्शन होती है जी, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो जोनल कल्चर सेंटर्स हैं उनके थ्रू होती है। जो नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के जो डायरेक्टर हैं वो इसके नोडल ऑफिसर होते हैं। तो हर बार हम उनकी मदद से ये सिलेक्ट करते हैं, और पूरा दिन मेला का जो टाइम है उसमें कल्चर परफॉर्मेंसेस चलती रहती हैं। इसमें दो हमने एक पर्टिकुलर स्टेज रखी हैं जहाँ पे पूरा दिन प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसको हम चौपाल का नाम देते हैं, चौपाल 1 चौपाल 2। और शाम को कल्चर प्रोग्राम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हम उसमें बुलाते हैं, जो अच्छे फेमस आर्टिस्ट हैं जी। वो शाम को इसलिए 6 बजे के बाद कि पूरा दिन जो विजिटर्स घूमते हैं वो थक जाते हैं जी। फिर शाम को उनका एंटरटेनमेंट का एक्सक्लूसिव सा प्रोग्राम को एंटरटेनमेंट का होना चाहिए, और वो बहुत पसंद करते हैं जी। उसके इतना पसंद करते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि वो जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कम पड़ जाता है, और इसीलिए हमने अब की बार क्या हर साल उसकी कैपेसिटी हमें बढ़ानी पड़ती है। तो डॉक्टर मलिक आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ प्रोविजंस होती है? हाँ, मैंने इस मेले को जिया है जी। जब मैं गया तो मुझे एक ही जगह पर इतना कुछ देखने को मिला जी कि मन जो है खुशी से चहक उठा, क्योंकि हरियाणा की एक गांव की रागनी है, अच्छी अच्छी रागनी गायक आते हैं,
या दूसरे कल्चर की जो प्रमोशन के लिए आते हैं वहाँ पे, मेरे मन खुश हो जाता है। आप विदेशों के ऐसे कलाकार हैं जिनके उनकी वहाँ की संस्कृति, इस बार जैसे महाराष्ट्र की बात चलती है तो हमें, मैं कहता हूँ मैं इस बार खुद जाऊँगा और महाराष्ट्र की संस्कृति को बड़े करीब से देखने का मुझे मौका मिले, मैं देख के आऊँगा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात। ये दर्शकों को भी बता दें कि इस बार का थीम जो है, थीम स्टेट जो है, वो महाराष्ट्र है। तो मिस्टर सिंह, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि कुछ ये जो है, इट्स बीइंग रूटेड विद द ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, तो क्या खाने पीने का भी कुछ ऐसा इसमें अरेंजमेंट? हाँ जी, ये बात अच्छा किया, ये तो एक अहम ज़रूरतों में से है जी, खाने पीने का। जब बाहर इंसान निकलता है, घूमता फिरता है, तो उसको अपनी ये ज़रूरत भी खाने पीने की पूरी करनी पड़ती है। इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया है। हमने एक मेला एरिया के अंदर ही एक जगह ऐसी आइडेंटिफाई करके उसको डेवलप किया है जिसको हम फूड कोर्ट का नाम देते हैं। वहाँ पे हम वैरायटी फूड प्रोवाइड करते हैं और उसमें मैं ये भी ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे फॉरेन पार्टिसिपेंट्स और फॉरेन विजिटर्स आते हैं, उनकी ज़रूरतों का, खाने पीने की ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाता है। ट्रेडिशनल तो हम लाते ही हैं इसमें, इसमें हम ब्रांडेड भी लेके आते हैं ताकि उनकी भी ज़रूरतें पूरी हो सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और सर, सबसे अहम सवाल कि इतने क्राउड को सिक्योरिटी जो आप प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए क्या प्रोविजंस गवर्नमेंट कर रही है? देखिए, उसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बिना तो मैं कहूँगा ये मेला पॉसिबल ही नहीं है। और सभी विभागों के अधिकारी जिनको भी डिप्यूट किया जाता है, वो बिल्कुल एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह, एक टीम की तरह काम करते हैं जी। और तभी ये मेला 33वां मेले तक पहुंच पाया है जी। बिल्कुल, इसमें जो वीक डेज हैं उसमें जो पुलिस फोर्स है वो 750-800 के आसपास डिप्लॉय होती है, और भी सिक्योरिटी, जो पैरेलल सिक्योरिटी जो मेला अथॉरिटी लगाती है वो भी होती है, वो भी होती है। और वीकेंड पे तो 1000-1200 के बीच में कोई संख्या होती है जी। और बहुत अच्छा, हर आदमी पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाता है। जी जी, बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी, क्योंकि इतने फॉरेन के लोगों की भी इसमें शिरकत होती है, इतना क्राउड होता है। और क्लीनलीनेस के लिए क्या इस बार और आपने प्रोविजंस किए हैं? जैसे कहा गया कि जो, जैसे डॉक्टर मलिक ने कहा कि वहाँ जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि इतना क्राउड है, तो अब इतना क्राउड है तो लोग खाए पियेंगे भी और गार्बेज भी होगा, तो उसके लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस आपने? देखिए, इस जहाँ तक क्लीनलीनेस की बात है, इस बारे में जो कमेंट्स आते हैं जी, वो बहुत अच्छे आते हैं और बड़ी खुशी होती है कि इतना क्राउड को हैंडल करते हुए जी, कोई गंदगी वहाँ पे दिखाई नहीं देगी। आपको यूं कोई तिनका भी, जैसे कागज़ का टुकड़ा मैं कहूँ, वो भी ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ मिलेगा। इतना अच्छा इंतजाम, लोग दंग रह जाते हैं देख के और इस चीज़ की जरूर तारीफ करते हैं जी। बहुत अच्छी बात है। यही क्राउडेड प्लेस पे जाने के लिए सबसे बड़े क्वेश्चंस यही होते हैं कि सिक्योरिटी का क्या प्रोविज़न होता होगा, खाने पीने का, रहने का और क्लीनिनेस का। तो बहुत अच्छे व्यूज़ सुनने को मिल रहे हैं। एक चीज़ और दर्शकों को बता दें कि जल्द ही एक टोल फ्री नंबर भी इशू किया जाएगा हरियाणा टूरिज़्म की तरफ से, जहाँ पर आप सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2019 के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और कोई जानकारी जो आप, जो इंस्ट्रक्शंस या कोई और बात आप जो खुद दर्शकों को कहना चाहें कि सूरजकुंड मेला के बारे में? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि आम लोगों को ये भी मालूम है कि मेला कब शुरू हुआ जी, ये भी मालूम है कि कहाँ ये मेला लगता है और उस जगह की क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे अभी पीछे सुना जी जी जी, और ये भी मालूम है कि अब की बार थीम स्टेट कौन सा है जी। देखिए, ये तो बहुत अच्छी अवेयरनेस की बात है जी जी। और मैं कहूँगा ये हमारी पब्लिसिटी और मेले का जो स्टेचर बन गया वो जी है जी, उसका ये कारण। बिल्कुल, हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा एक बात के जैसे कुछ ऐसे भी दर्शक थे जो जिनको ये था कि नहीं, हमें नहीं मालूम कहाँ पे है जी। उसका कारण ये है कि यंग जनरेशन हर बार जुड़ती है ना जी, तो अब की बार कुछ लोग जुड़ेंगे जी, जो एक बार विजिट करेंगे वो आगे, माउथ पब्लिसिटी सबसे इफेक्टिव पब्लिसिटी होती जी, है, तो वो आगे बताते हैं जी सर। कुछ लोग तो ऐसे होंगे ही जिनको नहीं मालूम होगा और इस बार उनको पता चलेगा, वो आगे बताएंगे और ये सिलसिला पब्लिसिटी का भी चलता रहता है जी। मैं दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि क्रेज बढ़ता जा रहा है सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का जी। कोई भी असुविधा ना हो जी, तो सबसे पहले तो टिकटिंग का है, अपना टिकट
बुक करवा के चलें ऑनलाइन तो अच्छा रहेगा, ऑफलाइन भी फैसिलिटी है बट ऑनलाइन जब टिकट बुक करवा के चलेंगे वहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट होगा जी बिल्कुल, और कोई असुविधा भी नहीं होगी। बुक माई शो हमने एक एजेंसी एंगेज की है, उसके माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं। जहाँ तक पार्किंग का एक क्वेश्चन बीच में आया था, देखिए पार्किंग तो कुछ टाइम के लिए कोई समस्या लगती है जब, क्योंकि जब सैटरडे संडे को या छुट्टी वाले दिन इतना क्राउड आएगा एक बार तो लगता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से मैनेज होता है। हरियाणा की जो ट्रैफिक पुलिस है वो बड़ी इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छे से मैनेज करती है जी। पार्किंग का ये है कि देखिए स्पेस तो लिमिटेड है जी, लेकिन फिर भी हम हर साल ये कोशिश करते हैं कि जितना स्पेस हम उसमें जोड़ पाएँ, यानी वो पहाड़ी इलाका है उसको हम रिक्लेम करते हैं हर साल, कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, और कोई समस्या अब तक ऐसी नहीं है कि पार्किंग की कोई समस्या आए। वो लगता होगा एक बार जब अच्छा क्राउड आता, और इसीलिए ये समस्याएं ना हों। अब मेले का जो ड्यूरेशन है सूरजकुंड मेला अथॉरिटी ने थोड़ा बढ़ाया है, कितना, ताकि तीन वीकेंड इसमें इंक्लूड हो जाए, क्राउड जो है स्प्रेड हो जाए। ये टेंडेंसी ये रहती है, जो लोग वर्किंग डेज में नहीं टाइम निकाल सकते वो वीकेंड पे आते हैं, पहले उनको दो वीकेंड मिलते थे अब उनको तीन वीकेंड मिलते हैं। तो दर्शकों के लिए ये भी एक अच्छी खबर है, तीन हफ्तों तक चलेगा इस बार ये मेला। और मिस्टर सिंह मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने दूरदर्शन को आकर ये सब जानकारी दी, और जी हाँ ये आपके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम भी साबित होगा, जहाँ तक नहीं भी पहुँचा है अब तक ये सूरजकुंड मेला की जानकारी वो अब पहुँचेगी हमारे माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए, और डॉक्टर मालिक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने अपने विचार हमारे साथ आके शेयर किए। एंड आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू। अब आपसे इजाज़त लेती हूँ, आपकी होस्ट एकता सोढ़ी, नमस्कार।